फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ खुशी। दोस्तों, अभी हमारा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर आज मैं आई हूँ वापस कोटड़ा। यहाँ पर है विवेक, अभी वो मैगी बनाने वाला है मेरे लिए, और विवेक हम दोनों के लिए वो मैगी बना रहा है। यहाँ पर मैं मेरे काम से आई हूँ। यहाँ पर है भामा दीदी और पूजा, उन दोनों की मेहंदी हो रही है। यहाँ पर शादी है तो मैं उन्हें रेडी करने के लिए ही आई हूँ। तो मुझे ऐसा सुनने में आया कि विवेक की मैगी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाता है। तो यहाँ पर पहले विवेक ने डाला है मक्खन। शायद ये मैं पहली बार टेस्ट करने वाली हूँ मक्खन वाली मैगी। मैंने पहले कभी ऐसे ट्राई नहीं किए। देखते हैं कैसा रहता है आज का जो मैगी का, क्या मक्खन वाली मैगी का अनुभव। विवेक को अगर घर पर अकेला छोड़ना है तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, क्योंकि वो पास्ता है, मैगी है, ऐसा सब कुछ बनाकर वो खुद ही खा लेता है। अभी यहाँ पर थोड़ा सा ही मक्खन उबला था और विवेक ने उसमें डाल दिया है पानी और गैस को कर दिया है स्टार्ट। पहले बंद कर दिया था, मक्खन ज़्यादा गर्म हो रहा था इसीलिए। यहाँ पर बन चुकी है मैगी। मैंने तो गर्मा गर्म खा भी ली। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाई है। पहली बार मैंने ये टेस्ट की थी मक्खन वाली मैगी, लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। सो मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि उसकी स्मेल भी इतनी अच्छी आ रही थी ना, तो उसमें धुएं निकल रहे थे, फिर भी मैंने फटाफट में ऐसे मुँह में डाल दिया। फिर मेरी क्या जीभ भी जल गई। अभी विवेक यहाँ पर बनाई है, खा रहा है, और दीदी और पूजा बाद में खाने वाली है। मैं ऊपर की ओर खड़ी हूँ और नीचे गली में से बारात जा रही है। आगे सारे बाराती हैं और पीछे होगी दूल्हे की गाड़ी। तो यहाँ पर है दूल्हे की गाड़ी, दूल्हा भी है। Thank you.
हम लोग आए हैं। शादी में नहीं आई थी मैं, सिर्फ खाना खाने के लिए आई हूँ क्योंकि मैं ऑर्डर पे गई थी। वहाँ पर रेडी करके अभी यहाँ पर आए हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। यहाँ पर दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। तो आज का वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।